नहीं करेंगे। अच्छा कब करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि he will be try to make a good relations with Pakistan, तो वो यकीनन congratulate करेंगे। और चाइना जो है पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे में पाकिस्तान का साथ दी है, और हम चाइना से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह चाइना हमारा भरपूर साथ देगा, बाकी अल्लाह पे है। बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से हुकूमत को कि महंगाई कम करे, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी इस वक्त हुकूमत है, मरियम नवाज एक कॉम्पिटेंट लेडी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने लाहौर इंटीरियर पंजाब में काम किया, अल्लाह करे हमारे सिंध में भी ऐसे कोई लीडर आए। पाकिस्तान में न्यू हुकूमत बनी है, ठीक है, उस पर आपकी क्या राय है? न्यू हुकूमत बनी है, सबसे पहले तो कुछ उम्मीदें वाबस्ता भी और कुछ उम्मीदें वाबस्ता नहीं भी है। क्यों? पहली बात तो देखा जाए जैसे कि शेर सिलेक्ट हो चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो उनके अगर कुछ हम पुरानी परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें उनके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो अप्रिशिएबल है, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसका करके कुछ मैं उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखता हूँ। पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे उन्होंने काबू नहीं पाया, तो उसका करके मेरी कुछ उनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं भी है। अच्छा, तो यानी कि आप उनके वजीर आज़म बनने से खुश नहीं है? न्यूट्रल हूँ मैं, खुश हूँ भी हूँ नहीं भी हूँ, वैसे ज्यादातर देखा जाए तो न्यूट्रल ही कहा जाए। वोट किसको दिया था ये बात नहीं बताते। किसको दिया था? पीटीआई को दिया था? ये बात नहीं बताती, हर एक अपना पर्सनल होता है। अच्छा, तो वोट दिया था कि ये नहीं दिया था? था, मेरा फर्स्ट वोट था तो मैंने तो कास्ट लास्ट में करना था। अच्छा देखिए, अब ये न्यू हुकूमत बनी है, ठीक है, हर कंट्री जो है ना पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक चाइना ने किया, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल किया है, जो उनके वहाँ के वजीर आजम सदर थे, दे कंग्रेचुलेटेड द वजीर आजम, ठीक है, उन्होंने कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट करते हैं या फिर नहीं? नहीं करेंगे। अच्छा कब करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि he will be try to make a good relations with Pakistan, तो वो यकीनन कंग्रेचुलेट करेंगे। अच्छा, जैसे आप ये relations की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होते हैं या फिर खराब होते हैं? जहाँ तक मेरा लगता है कि जो हमारी अब न्यू हुकूमत है जो शहबाज शरीफ की आई है, he will try to make a good relation with India, वो यकीनन अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे इंडिया का करके, और मैं उनसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो मसला कश्मीर में भी बात करेंगे। अच्छा अच्छा, अगर बात की जाए जब से मरियम नवाज जो बनी है वजीर आला, तो पाकिस्तान में जगह जगह ये सफाई की मुहिम चलाई जा रही है, ठीक है, साफ पंजाब मुहिम के नाम से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो आवाम है वो इस मुहिम में साथ देगी या फिर नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इस बात में उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये मतलब कदम उठाया कि पाकिस्तान को साफ करने के लिए लाहौर को पूरा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाम भी मतलब इसमें साथ देगी कि सफाई वगैरह का और गंद वगैरह नहीं फैलाएगी। तो आप सफाई का ख्याल रखोगे? ऑब्वियसली, और मैं रखता भी हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अगर कुछ बाहर खा रहा हूँ तो जो उसका गंद है, जो रैपर है, उसका मैं बाहर ना फेंकूं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान को साफ रखें। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो आप? लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा कि चाहे अब हुकूमत उनकी बनी है या किसी की भी हुकूमत बने, आवाम को इससे डिसाइड नहीं होना चाहिए, उनको सपोर्ट करें जो बन गया है, और अपना भी बेस्ट दें और दूसरों के लिए अच्छी उम्मीद रखें। अभी नई हुकूमत बने दिन ही कितना हुआ है कि बैटर चेंजिंग आए, उम्मीद रखते हैं कि बेटर चेंजिंग है, लेकिन नहीं, इतना इतने अच्छी तवक्को नहीं है। तवक्को नहीं है, क्यों नहीं है? बस हम जिसको चाहते हैं तो मतलब वो मैंडेट की बात है कि मैंडेट किसका था, कहाँ आया, तो वो था बस इस वजह से। अच्छा, तो देखिए अब न्यू हुकूमत बनी है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान को, जो बाहर के ममालिक के जितने भी मुल्क हैं, पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और चाइना ने भी किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? चाइना ने किया है, चाइना पाकिस्तान का अच्छा मुल्क है, और तालुक अच्छा है दोनों का, और चाइना जो है पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे में पाकिस्तान का साथ दी है, और हम चाइना से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह चाइना हमारा भरपूर साथ देगा, बाकी अल्लाह पे है। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि अब अभी कल या परसों तक वो पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट करेगा या फिर नहीं करेगा? ऑब्वियस है, एक वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हर दफ़ा वो कंग्रेट्स करता है, कंग्रेट्स करता है, लेकिन इस दफ़ा भी करेगा, कोई इतना वो नहीं है, यानी कि सिर्फ दिखावा करने, हाँ, दिखावा करने के लिए आई थिंक। अच्छा, मेरा ये मौका है। अच्छा देखो, अगर देखा जाए तो जब से ये मरियम नवाज वजीर आला बनी है, तो यहाँ पर क्लीन लाहौर वाले बहुत घूम रहे हैं, ठीक है, वो सफाई की बातें कर रहे हैं, हम चलाई जा रही है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम, तो आपको क्या लगता है कि अवाम इस मुहिम के बाद कुछ करेगी या फिर नहीं? आई थिंक सिर्फ सफाई सुथराई से और क्या नाम है ये रोड से बनाने से, पुल बनाने से, मेरा नहीं ख्याल के लोग इस वजह से अट्रैक्ट करेगी दूसरी पार्टी को छोड़ के,
क्योंकि हर एक पार्टी का मौकफ अपना होता है, किसी ने इकोनॉमिकली एजुकेशन को भी सेट करने के लिए, इकॉनमी को सेट करने के लिए, अगर कंपैरिजन की बात की जाए पाकिस्तान की निस्बत इंडिया बहुत एक अच्छा मुल्क है इकोनॉमिकली भी, और अच्छा डेवलपिंग उसमें हो रही है और नज़र आती है, हमारे मुल्क में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। नहीं आ रहा क्यों? आई देखें न्यू हुकूमत बनी है तो आपको क्या उम्मीद है कि कुछ करेंगे या फिर सिर्फ पैसे ही खाएंगे? ये तो आने वाले वक्तों की बात है, अभी तो हुकूमत बनी है। हम होप ये करते हैं कि अल्लाह करे कि ये कुछ करे हमारे मुल्क के लिए और हम उनके साथ खड़े हैं अगर वो कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। तो आपके सामने है, उम्मीद नहीं है। अच्छा लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मेरा ये मौकफ है कि हमें अपने कंट्री के साथ अपने साथ लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही अपनी कंट्री के साथ अपने लोगों के साथ लॉयल नहीं होंगे आई थिंक हम कहीं के भी नहीं। बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से हुकूमत को कि महंगाई कम करे, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है, मरियम नवाज एक कॉम्पिटेंट लेडी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने लाहौर इंटीरियर पंजाब में काम किया, अल्लाह करे हमारे सिंध में भी ऐसे कोई लीडर आए जो हमारे बैकवर्ड इलाकों को एक तरक्की की राह पर गामजन करें। अभी देख रहे हैं ये आप मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं अपना ऑरेंज लाइन के बाहर, तो ऑरेंज लाइन के बाहर आप तरक्की देख लें, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये हमारे सिंध में देखने को नहीं मिलता। तो मैं बड़ा पंजाब आके खुश होता हूँ, यहाँ की तरक्की, यहाँ की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल है, इसका निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। और नई हुकूमत के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात है हमारी कि अगर मियाँ नवाज शरीफ खुद अलग उठाते तो बड़ा बेहतर होता, लेकिन बेस्ट ऑफ लक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज। थैंक्स। आप शहबाज शरीफ के हलफ उठाने से खुश हैं? नहीं, हम बेसिकली मुझे जाती तौर पे शहबाज शरीफ एज ए वजीर आला अच्छा लगता था, एज ए प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं लगता। एक फेस वैल्यू जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है, उनकी ज्यादा है, उनके चाहने वाले बहुत है, हमारे इंटीरियर सिंध में भी बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगर बात की जाए पाकिस्तान और चीन के रिलेशन की, तो जब पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है तो चीन ने पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट किया है, ठीक है? चीन हमेशा से पाकिस्तान का हामी रहा है, चीन पाकिस्तान दोस्ती जो इंशाल्लाह हमेशा चलती रहेगी। चीन ने पाकिस्तान को बड़े हवाले से सपोर्ट किया है, जैसे रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना सी पैक है, जो मुझे मोटरवेज बन रही है उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, ये ऑरेंज लाइन में भी उनकी कंट्रीब्यूशन थी अपना। अगर उन्होंने बेस्ट विशेज किया है तो इंशाल्लाह वो उम्मीद करते हैं अपना चाइना से कि वो मजीद पाकिस्तान के साथ ताउन करे माशी हालात में हमारे। अच्छा अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो जो इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट नहीं किया, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट करेगा कि नहीं? नहीं, उनके कंग्रेचुलेट करने से कोई फायदा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो उनकी ज़हनियत, उनके जो प्राइम मिनिस्टर की ज़हनियत है वो इंतहा पसंदी की ज़हनियत है, वो पाकिस्तान को पुरअमन देखना नहीं चाहते, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? लाजमी है, पाकिस्तान उनका हिस्सा था, अपना हिस्सा कोई टूटा हुआ, कोई तरक्की को करता हुआ नहीं देख सकता। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। मोदी सरकार अगर ना भी कोई मुबारकबाद दे तो इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से इंशाल्लाह। और जहाँ तक वो कश्मीर का इशू है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि ये नई हुकूमत बनने से मुल्क में क्या क्या तब्दीली आती है? देखिए 2018 में जैसे इनकी गवर्नमेंट थी 2018 तक, 2013 के बाद जो हमने सिंध में हालात फेस किए, जो पाकिस्तान में हालात फेस किए वो हमें पता है, 2013 के बाद जो बेहतरी आना शुरू हुई तो हर चीज़ की कीमतें तकरीबन आवाम की पहुंच में थी, लेकिन फिर अचानक खान साहब की हुकूमत आई, खान साहब पठान दिमाग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कोई बात समझ नहीं आई हुकूमत के हवाले से, काफ़ी तबाही व बर्बादी की। एज ए मेरा गोल्ड का बिजनेस है, हम इस बिज़नेस को समझते हैं कि डॉलर बढ़ने से हर चीज़ पर असर पड़ता है, इस डॉलर के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की ये माशी सूरत हाल इस वक्त है जो हम पाकिस्तान की ये आवाम फेस कर रही है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।